ये चुनाव का समय है, ये चुनाव का समय है, और ये हमारा बीजेपी ने ये मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया है, तो थोड़ा बहुत में बाद चुनाव का लिए मैं चुनाव के लिए मैं बोलना चाहता हूं। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक नया विजन दिया है कि हमारा देश सब कुछ कर सकता है, हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको क्या बोलता है कि देखो, अभी तो हम स्वाधीनता का 75 वर्ष का पालन किया, लेकिन अगले 25 साल हमको काम करना है भारत को ये 25 साल में अमृत काल तक हमें ले जाना है, और 2047 में जब भारत का 100 साल होगा तब भारत को अमेरिका और चीन से भी बड़ा बनाना है, एक भारत को विश्वगुरु बनाना है। अभी आप देखिए, जब हमारा देश का 50 साल हुआ था तब भी तो देश का कोई प्रधानमंत्री था, लेकिन उन्होंने तो हमको नहीं बोला कि आगे का 25 साल काम करो, 75 साल होने तक देश को विश्वगुरु बनाओ। खाली होगा 50 साल में लाल किला में भाषण दे दिया, उसी में समाप्त हो गया। लेकिन मोदी जी ने 75 साल गिरा, सबको बोला तिरंगा उठाओ घर घर में, लेकिन तिरंगा इसलिए उठाना है कि राष्ट्र निर्माण का पन लेना है और राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है। आज आप देखिए, हमारा यहाँ कांग्रेस का लोग आया है, राहुल गांधी जी आते हैं, बोले हम गारंटी देता हूं। क्या गारंटी देता, वो करेगा वो करेगा। मेरा मन में आता है भाई, जो आदमी का अपने का अपने ऊपर गारंटी नहीं है तो लोगों को कैसे गारंटी दे सकता है। पहला गारंटी, आपने उत्तर प्रदेश का अमेठी में एमपी था, एक रात आप अमेठी में चुनाव हार गया, रातों रात आप केरला तक ट्रांसफर हो गया। लेकिन हमें भी इलेक्शन पहला बार मैं भी हारा था, लेकिन मैं जमीन नहीं छोड़ा जब तक मैं दूसरा बार जीत के नहीं दिखाऊं। तो आपका आज आप एमपी है कि नहीं वो भी खुद कोई नहीं जानते हैं, आप कांग्रेस का अध्यक्ष है कि नहीं वो भी कोई नहीं जानता है। अब आप कर्नाटक में आते बोलते हैं मैं गारंटी लेता हूं, मेरा तो एडवाइस है सोनिया जी को, पहले आप आपका बेटा का गारंटी ले लीजिए, फिर आप देश का गारंटी लीजिए। आज देखिए, हर जगह में गारंटी बोला, हिमाचल प्रदेश में बोला कि हर महिला को हम 1500 रुपया देगा, आप तो दे नहीं सका, लेकिन असम में हम 27 लाख महिला को हर महीना 1250 रुपया देता हूं। लेकिन आपने वादा किया हिमाचल प्रदेश में, आप तो नहीं दे सका, वहां में भी जाके बोलता था कि मैं गारंटी लिया हूं। फिर आपने हिमाचल प्रदेश में जाके बोला था मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा, मैं गारंटी लिया हूं। आज हिमाचल में इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ गया, कमा नहीं, फ्री होने का तो अलग बात है। तो राहुल जी को मैं यही एडवाइस करूंगा, जो भी कर्नाटक का लोग है, ज्ञानी लोग है, विद्वान लोग है, आप लोग राहुल जी को बोलिए भैया आप जाके अपना गारंटी ले लो, हमारा गारंटी लेने के लिए हम खुद काम करेगा, हम खुद अपने आप का गारंटी लेने का सक्षम है। मैं कर्नाटक में 2 महीना से आता हूं, मैं बेलगाम तक गया, बेलरी तक गया, आके मैं बहुत प्रभावित हुआ कि कर्नाटक आईटी में तो लीडर है ही, बायोटेक्नोलॉजी में लीडर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडर है, बहुत कुछ काम है। लेकिन हम जब आया, पहले एयरपोर्ट से उतारा, मैंने कंपा ग्वाडा जी का बहुत बड़ा प्रतिमा देखा, तो मैंने किसी को पूछा क्या हिस्ट्री है, मुझको बताया गया कि कैसे उन्होंने नया बेंगलोर का निर्माण किया था, पूरा कहानी। फिर मैं तुमकुर में गया, मत का बारे में समझा, हमको बताया गया कि कितना बासवेश्वर जी का कितना बड़ा मानवता के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आज फिर मैं बेलगाम गया, उसमें मुझको बताया गया कि रानी सिनेमा कैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई जैसा
एक बहुत बड़ा देश के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया था। लेकिन आप देखिए, आज मैं जो असम में बचपन में पढ़ता था, मैंने कर्नाटक का ये हीरोज का नाम नहीं सुना था, मैं खाली टीपू सुल्तान का नाम सुना था। कारण क्या है? भारत का जो लेग हिस्टोरियन है, ये लेग हिस्टोरियन लोगों ने हमेशा मुगल का बारे में लिखा, कोई भारतीय देश प्रेमी का बारे में उन्होंने कभी लिखने का कोशिश नहीं किया। आज प्रियंका जी ने बोला है कि हमारा जब सरकार आएगा हम मुसलमान का रिजर्वेशन दोबारा दे देगा। मैडम, आपका घर का जब कुछ काम होगा आप तो सब कीजिए, हमें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन दो प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया था, क्या वो संविधान में लिखा था धर्म का ऊपर रिजर्वेशन हो सकता है? लिखा था क्या? अगर आप मुसलमान को 4% देता है तो आप क्रिश्चियन को भी 3% दीजिए, हिंदू को भी 90% दीजिए, लेकिन आप एक रिलीजियन को क्यों देगा? तो आज बोमाई जी ने कितना बड़ा काम किया कि जो बाबा साहेब का आइडियोलॉजी का खिलाफ दिया था, बाबा साहेब ने बोला था कि रिजर्वेशन एसटी का होगा, एससी का होगा, ओबीसी का होगा, धर्म का अनुसार देश में रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन आज वीरप्पा मोइली, देवगौड़ा, सिद्धारमैया सारे लोग सीएम हुआ, लेकिन तुष्टिकरण का राजनीति के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी का संविधान को अनुग वायलेट करते रहा। लेकिन आज बोमाई जी थोड़ी समय के लिए मुख्यमंत्री हुआ, उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो काम करने का कर्नाटक का पहला कोई मुख्यमंत्री का, मतलब कांग्रेस का मुख्यमंत्री का हिम्मत नहीं था। आज येडियुरप्पा जी और बोमाई जी ने मिलके 4% मुसलमान रिजर्वेशन को खत्म किया, लिंगायत को 2% रिजर्वेशन दिया, भोकालिगा को 2% दिया। अभी प्रियंका जी बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार आने से हम दोबारा मुसलमान को रिजर्वेशन दूंगा। मैं बोल रहा हूं मैडम, आपको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा फिर जाके आप ये काम कर सकेगा, ऐसे नहीं होगा। आज हमें बोल रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, किस लिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए? अगर हमारा एक हिंदू महिला शादी जब होता है बिना डाइवोर्स उनका हस्बैंड दूसरा शादी नहीं कर सकता है, आप बोलता है मैं मुसलमान के लिए हो, तब मुसलमान महिला उनका हस्बैंड महिला को बिना डाइवोर्स देते हुए कैसे मुसलमान लोग सर शादी कर सकता है? ये तो रूल का खिलाफ है, ये तो ह्यूमन रूल का खिलाफ है। आज एक मुसलमान बच्ची 16-17 साल में एक हस्बैंड का घर में शादी होता है, 26 साल में एक दूसरा उनका घर में और एक आ जाते हैं, फिर 3 बार आता है, 4 बार आते हैं, तो ये क्या मुसलमान महिला का खिलाफ नहीं है? तो आज जो हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया, हमको बोल रहे हैं कि आपने ये कम्युनियल बात किया। अरे, हमारा हिंदू महिला तो ठीक है, ये इनके लिए नहीं, हमने तो मुसलमान महिला के लिए बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें चाहिए। कारण अगर भारत को आगे बढ़ना है तो मुसलमान महिला खाली बच्चा जन्म देने वाला मशीन बन के नहीं रहेगा, उनको भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का अधिकार होना चाहिए। तो ये बात जब हम बोलता हूं, हम कम्युनियल होता हूं कि हम सेकुलर होता हूं, हम तो सबसे बड़ा सेकुलर होता हूं। आज आप बोलिए, एक हमारा हिंदू बेटी जब घर से शादी होता है अपना पिताजी का संपत्ति में उनका अधिकार होता है, क्या मुसलमान बेटियों को भी वो अधिकार नहीं होना चाहिए कि संपत्ति में, पिताजी का संपत्ति में मेरा अधिकार होना चाहिए? अगर पिताजी का संपत्ति में उनका अधिकार होगा तब मुसलमान महिला भी अपना काम करेगा, अपना हस्बैंड को बोलेगा देखो ज्यादा दादागिरी मत करो, मेरा पास भी प्रॉपर्टी है, मैं बच्चा बनाने वाला मशीन नहीं हूं, मेरा जीवन में और बड़ा मकसद है।